गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से हुई कानपुर के व्यापारी की हत्या के बाद से उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता अकेले ही पूरे सिस्टम से मुकाबला कर रही हैं। सुबह 8:30 पर मृतक व्यापारी का शव कानपुर के उनके घर पहुंचा, लेकिन परिवार ने अब तक इस मामले में एक भी दोषी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी न होने पर विरोध में अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। मृतक मनीष की पत्नी का कहना है कि वह पति की हत्या का केस गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफ़र कराएंगी। उन्होंने कहा कि वैसे भी केस के लिए बार बार मुझे गोरखपुर के चक्कर काटने पड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि घटना के बाद से ही गोरखपुर के पुलिस अधिकारी दोषी कर्मियों को बचाने में लगे हुए हैं। अधिकारी हत्या को हादसा बता रहे हैं। मीनाक्षी ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को भी धूमिल करने में लगे हैं। ऐसे में उन्हें गोरखपुर की पुलिस पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि अब तक एक भी दोषी पुलिस वाले पर कार्रवाई नहीं की गई है। उनके मुताबिक मुकदमा भी खुद सीएम की पहल पर दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस व प्रशासन ने खुद से कुछ भी नहीं किया। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी।